पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पाई रुपया, हम भारत में रुपये का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विश्व में एक ऐसी क्रांति आ गई है जहां पर पाई नामक करेंसी का इस्तेमाल चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री, रसिया, अफ्रीका के जितने भी देश हैं, पाकिस्तान, बर्मा, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, श्रीलंका इत्यादि करना शुरू कर दिए हैं। ये 2013 से ही फ्री में मिलने वाले इस करेंसी को लोग कलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन एक गुड न्यूज़ मैं उन क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आते हैं, जैसे BNB, बिटकॉइन सबसे पहला करेंसी माना जाता है। बिटकॉइन जब आया था लोगों को फ्री में दी जा रही थी तो उसे लोग एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन ये पाई नेटवर्क भी 2013 से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है फ्री में। एक बहुत बड़े एजुकेटर जो अमेरिका के रहने वाले हैं, उन्होंने इस पाई नेटवर्क को लॉन्च किया है और ये Web3 है, Web3 पोर्टल पर बना गया है। आप जो गूगल का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, वो Web2 है और Web3 एडवांस रूप होता है। और उन्होंने ना केवल सोशल मीडियाज को लॉन्च किया बल्कि उन्होंने आपके लिए पाई करेंसी भी लॉन्च किया था। 2013 से ही लोग माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन भारत जागरूक ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं भी करिएगा ना, लोग जो जागरूक हैं इसके प्रति, वे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, रुपया भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं कर सकती है जब तक कि हमारे देश में USD डॉलर की मात्रा या अन्य करेंसीज जो फिएट करेंसीज होते हैं उसकी मात्रा हमारे देश में भर ना जाए। क्योंकि हमारे देश में बाहर के देशों से कई चीज़ें आती है, टेक्नोलॉजी आती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आती है, और भी ह्यूमन रिसोर्सेस आती है, और भी कई सेक्टर्स जहां आर्मी के जितने भी साजो सामान के सामान आते हैं, बच्चों के खिलौने चाइना से आती है, आप देखे हैं। तो चाइना आने वाले समय में पाई करेंसी से ट्रांजेक्शन करने के लिए हमें बाध्य करेगा, या अमेरिका भी करेगा, या जिन जिन देशों से हमारा व्यापारिक संबंध है वे सारे देश करेंगे। जब हमारे पास पाई करेंसी रहेगा ही नहीं तो हम ट्रांजेक्शन क्या करेंगे? हमारा देश का रुपया को पाई करेंसी में बदलना पड़ेगा और तब जाके हम ट्रांजेक्शन करेंगे। इसका मतलब हमारा देश का पैसा रुपया वो बाहर देश जाएगा। कितना विडंबना होगी ये जब फ्री में दी जा रही है। उसको आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि माइनिंग कर लीजिए, मोबाइल में 24 घंटा में एक बार केवल बटन दबाना है, माइनिंग करना है रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसको भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे देश के लिए बड़ा बड़ा विडंबना की बात है और दुखद बात है कि हम आने वाले एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अवेयर नहीं हैं। ठीक है, सभी सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल सेक्टर हो, चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, जितने विभाग हैं हमारे देश में, सभी सेक्टर में नए नए टेक्नोलॉजीज़ का इवोल्यूशन हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है। हम उसमें अवेयरनेस नहीं ला पा रहे हैं, जिसका परिणाम है हमारे देश में बेरोजगारी, जिसका परिणाम है हमारे देश में महंगाई, जिसका परिणाम है हमारे देश में भटकते हुए लोग, पढ़ लिख के रिक्शा चलाना, ऐसे लोग उत्पन्न हो रहे हैं, यही कारण है। ठीक है, आने वाले समय में महंगाई को तो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें ग्लोबल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाई करना ही पड़ता है और ग्लोबल करेंसीज को अपने देश में जमा करना ही पड़ता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको महंगाई के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको महंगाई के बारे में बात करने का हक ही नहीं है अगर आप इंटरनेशनल ग्लोबल इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़े हैं और उसके बारे में लोगों को अवेयर नहीं करते हैं, तो आपको महंगाई के बारे में बात करने का कोई भी हक नहीं है। महंगाई को बढ़ने दीजिए, डांस करिए, गाना बजाइए, फिल्म इंडस्ट्री को कहिए नए नए गाने बनाएंगे ताकि आप झूमते रहें दिन और रात। ठीक है, खुश रहिए। सीधा सी बात है, इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला, उस वीडियो को ध्यान से देखें और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उस रजिस्ट्रेशन को कर लें और फ्री में माइनिंग स्टार्ट करें और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। क्योंकि आप जानते हैं, आपने बिटकॉइन लिया अथवा नहीं लिया, फिर भी जो 6 रुपया का बिटकॉइन था वो 80 लाख रुपया गया। अगर मैं 2009 में केवल 500 रुपये भी लगाया होता, या हमारे देश के जितने भी लोग हैं वे 500 रुपये भी लगाए होते, 100 रुपये भी लगाए होते, तो आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे मजबूत होती, चीन से भी आगे होता। लेकिन हम मूर्खता करते जा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, ये बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, महंगाई की बात करने वाले लोग अगर इकोनॉमिक्स को नहीं समझते हैं तो आपको महंगाई के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं। आप केवल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं।
इसलिए आने वाला ये युग ना ज्ञान का युग है। किसने कहा था? डॉक्टर अबुल कलाम ने कहा था, जनता ज्ञानी हो चुकी है, विद्वान हो चुकी है, उसको अधिक देर तक बेवकूफ़ आप लोग नहीं बना सकते। पॉलिटिक्स करने वाले लोग, विशेषकर मैं उन लोगों को कह रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिए। विशेषकर मैं भारत की जनता से कहूँगा कि ये जो फ्री का माइनिंग हो रहा है, अभी तो बहुत कम रेट में मिल रहा है, जिस समय मैं रजिस्ट्रेशन करके माइनिंग शुरू किया था 2015-16 के आसपास, तो उस समय 0.25 पर आवर एक घंटा में दिया जा रहा था, और मैंने 23,000-24,000 के लगभग माइनिंग कर लिया है। ठीक है, लगातार मैं करता रहा, और वो भारत के अर्थव्यवस्था में कुछ काम आएगा। ठीक है, हम विदेशी करेंसीज को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो। अगर भारत के प्रत्येक नागरिक अगर इस तरह बटोरने की कोशिश करे तो भारत की अर्थव्यवस्था आसमान को छूने लगेगा, और लोग बेरोजगार से जो भटक रहे हैं इधर उधर, वो भटकना बंद हो जाएगा। इसलिए बिना विलंब किए आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जैसे आपने बिटकॉइन को खोया था उस तरह बिटकॉइन को खोने का जो गम है, विशेषकर जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं उन लोगों को जो गम है, वो गम को इस पाई नेटवर्क के द्वारा रजिस्टर करके फ्री में माइनिंग करके आप आने वाले समय में अच्छा अर्जित कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज में आप लिस्टिंग होने जा रहा है, पाई नेटवर्क बाइनांस में। ठीक है, अब बाइनांस में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि $314 के आसपास इसका लिस्टिंग होगा, तो ये बहुत बड़ा चीज़ होगा। $314 का मतलब होता है लगभग 15,000-25,000 के लगभग एक क्वाइन का कीमत। तो जिसके पास पाई क्वाइन है वे बड़ी खुशकिस्मत हैं, क्योंकि बिटकॉइन अब आने वाले समय में डैम्प होगा, नीचे गिरेगा, और क्योंकि नए नए कॉम्पिटिटर करेंसीज दुनिया में आने लगे हैं, और नए नए टेक्नोलॉजीज के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आने वाले युग जो है Web3 का युग होगा। Web3, गूगल जो है Web2 है, व्हाट्सएप Web2 है, इसका युग ख़त्म होगा और Web3 जेनरेशन आ चुका है, और उस पर काम करना लोग शुरू करें और अपने घर परिवार को सुखी, संपन्न और हंसमुख चेहरा वाला व्यक्ति बनाए। धन्यवाद, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। मैं इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, ना तो बेल आइकन को दबाते हैं। आप लोग GTV आज तक ABCD UFG HID FG इत्यादि चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, जहां ना आपकी बातें होती है ना आपके विषय में कोई चर्चा होती है, वैसे चैनलों को तो सब्सक्राइब करके आप बड़ा आनंद मना रहे हैं। लेकिन मैं कि पिछले 1-2 साल से मैं इस चैनल को बना के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। ये दिखा रहा है कि आप कितने शिक्षित हैं या कितने स्टिंजी हैं। फ्री में सब्सक्राइब करना है उसको आप नहीं करते हैं। आप आज तक GTV ABCD EFG HH इत्यादि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप खुश रहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी भी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इत्यादि करना सीखिए। आपके लिए जो कर किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है, उसका छोटा तो इनाम देने का कोशिश करिए। कुछ तो दे नहीं सकते, लेकिन छोटा सा इनाम नहीं दे सकते हैं? छोटा सा बात सर, अच्छा बनाए सर इत्यादि नहीं लिख सकते हैं क्या? इतना मूर्ख है हमारा देश है क्या? हम शिक्षक लोग आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ाए आप लोगों को? इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और लाइक करना सीखिए। अगर लाइक नहीं आता, नहीं कर सकते, तो मेरा चैनल को देखना ही बंद करिए। धन्यवाद, थैंक यू।